इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 कितने तरह के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है और इसमें मैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के बारे में ही डिटेल में बताऊंगा। 8086 माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है 8 तरह के इंस्ट्रक्शंस को, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यानी कि ब्रांच एंड लूप इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, इटरेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बस को डिटेल में देखेंगे। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम होता है डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को ही कहा जाता है डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द सोर्स ऑपरेंड टू द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की मदद से ट्रांसफ़र किया जा सकता है डेटा सोर्स ऑपरेंड से डेस्टिनेशन ऑपरेंड में। फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर दिस ग्रुप। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आते हैं वो आपको नीचे बताए जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफ़र ए वर्ड, एक वर्ड को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे कि MOV यूज्ड टू कॉपी द बाइट और वर्ड फ्रॉम द प्रोवाइडेड सोर्स टू द प्रोवाइडेड डेस्टिनेशन। मूव इंस्ट्रक्शन की मदद से कॉपी किया जा सकता है बाइट या फिर वर्ड प्रोवाइडेड सोर्स से प्रोवाइडेड डेस्टिनेशन तक। पी पुश यूज्ड टू पुट ए वर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक। पी पुश की मदद से पुट किया जा सकता है एक वर्ड स्टैक के टॉप पे। पॉप यूज्ड टू गेट ए वर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक टू द प्रोवाइडेड लोकेशन। पॉप की मदद से प्राप्त किया जा सकता है एक वर्ड टॉप ऑफ द स्टैक से प्रोवाइडेड लोकेशन तक। पुश ए यूज्ड टू पुट ऑल द रजिस्टर्स इनटू द स्टैक। पुश ए की मदद से पुट किया जा सकता है सारे रजिस्टर्स को स्टैक पे। पॉप ए यूज्ड टू गेट वर्ड्स फ्रॉम द स्टैक टू ऑल रजिस्टर्स। पॉप ए की मदद से मिल सकता है वर्ड्स फ्रॉम द स्टैक टू ऑल रजिस्टर्स। XCHG यूज्ड टू एक्सचेंज द डेटा फ्रॉम टू लोकेशन। XCHD की मदद से एक्सचेंज किया जा सकता है डेटा टू लोकेशंस। XLAT यूज्ड टू ट्रांसलेट ए बाइट इन AL यूजिंग ए टेबल इन द मेमोरी। XLAT की मदद से ट्रांसलेट किया जा सकता है एक बाइट AL में यूजिंग ए टेबल इन द मेमोरी। इंस्ट्रक्शंस फॉर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट ट्रांसफ़र, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनपुट और आउटपुट पोर्ट ट्रांसफ़र के लिए, उन्हें भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। इन यूज्ड टू रीड ए बाइट और वर्ड फ्रॉम द प्रोवाइडेड पोर्ट टू द एक्यूमुलेटर। इन की मदद से रीड किया जा सकता है एक बाइट या वर्ड प्रोवाइडेड पोर्ट से टू द एक्यूमुलेटर। आउट यूज्ड टू सेंड आउट ए बाइट और वर्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेटर टू द प्रोवाइडेड पोर्ट। आउट की मदद से सेंड किया जा सकता है एक बाइट या वर्ड एक्यूमुलेटर से प्रोवाइडेड पोर्ट पे। इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफ़र द एड्रेस, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी मदद से ट्रांसफ़र किया जाता है एड्रेस। LEA यूज्ड टू लोड द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इनटू द प्रोवाइडेड रजिस्टर। LEA की मदद से लोड किया जा सकता है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड प्रोवाइडेड रजिस्टर में। LDS यूज्ड टू लोड DS रजिस्टर एंड अदर प्रोवाइडेड रजिस्टर फ्रॉम द मेमोरी। LDS की मदद से लोड किया जा सकता है DS रजिस्टर और अदर प्रोवाइडेड रजिस्टर्स को मेमोरी से। LES यूज्ड टू लोड ES रजिस्टर एंड अदर प्रोवाइडेड रजिस्टर फ्रॉम द मेमोरी। LES की मदद से लोड किया जा सकता है ES रजिस्टर और अदर प्रोवाइडेड रजिस्टर्स को मेमोरी से। इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफ़र फ्लैग रजिस्टर्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी मदद से ट्रांसफ़र किया जा सकते हैं फ्लैग रजिस्टर्स। LAHF यूज्ड टू लोड AH विद द लो बाइट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। LAHF इसकी मदद से लोड किया जा सकता है AH विद द लो बाइट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। SAHF यूज्ड टू स्टोर AH रजिस्टर टू लो बाइट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। SAHF की मदद से स्टोर किया जा सकता है AH रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर के लो बाइट में। पुश एफ यूज्ड टू कॉपी द फ्लैग रजिस्टर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश एफ की मदद से कॉपी किया जा सकता है फ्लैग रजिस्टर को
टॉप ऑफ द स्टैक पे. पॉप एफ यूज्ड टू कॉपी ए वर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक टू द फ्लैग रजिस्टर. पॉप एफ की मदद से कॉपी किया जा सकता है एक वर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक टू द फ्लैग रजिस्टर. इस वीडियो में बस इतना ही. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.